प्रश्न, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? आराम से बैठे हुए हम रेस करते हैं, उतरने वाला नहीं, रेस में पीछे नहीं आते, रेस में तो बस दौड़ते हैं आगे, पीछे का पीछे देखने का मतलब नहीं, पीछे देखेंगे तो गोली मार देगा पीछे वाला। हाँ जी, हाँ सीधा एकदम। तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? साइड में देखा, एक्सीडेंट हो जाएगा, जरा भी नजर चूकी, बस हो गया काम खत्म, देश गुलाम हो जाएगा। तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की, कि हमने इज्जत से पास होना है, जरा भी बाबा हमें स्वागत करे हमारे आने का। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। पास विद ऑनर होने के लिए इस रेस का आधार क्या है? बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे। जैसे अर्जुन का बुद्धि योग मछली की आंख के साथ था, बस निशाने पर होना चाहिए हमारा बुद्धि योग, और कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए। उतना पाप कटेंगे जितना बाप के साथ आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा। बुद्धि सिर्फ बाप का कहना मानने में लगी होगी तो उतना पाप कटेंगे, और अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। एक जन्म दो जन्म नहीं, 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते हैं, बाप राय देते हैं। क्या राय देते हैं? बच्चे नींद को जीतने वाले बनो, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी बुनियाद, जितना करोगे उतना मिलेगा। याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। आज 10 मिनट हुआ, कल 11 मिनट, 12 मिनट, एक एक मिनट भी आप रोजाना बढ़ाएंगे तो याद का रिकॉर्ड रखो कि कितना मैं बाबा की श्रीमत पर चलता हूं।